हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल राहुल। मेरा नाम राहुल राय है और अगर आप चाहते हैं टिकटॉक पे वीडियो ऐड बनाना सीखना तो गाइस बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने बहुत ही कंप्लीट जानकारी दी है, बहुत ही डेप्थ में दी है कि कैसे टिकटॉक पे वीडियो ऐड क्रिएट करेंगे और वीडियो ऐड क्रिएट करके कैसे आप अपने बिजनेस को, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो टिकटॉक के थ्रू, वो भी बहुत ही कम रेट में। गाइस अगर आप कंपेयर करते हो गूगल एडवर्ड्स से या किसी और एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म से तो टिकटॉक बहुत ही चीपर है, बहुत ही सस्ता पड़ता है आपको अपनी वेबसाइट पे क्लिक्स के लिए, आपको अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक के लिए। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। आपको अपने टिकटॉक ऐड का जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना होगा। अगर अभी तक आपने टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनाया है, जो एडवर्टाइजमेंट का डैशबोर्ड होता है वो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आप टिकटॉक पे ऐड अकाउंट कैसे बनाएंगे वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख के अकाउंट बना सकते हैं। आफ्टर लॉगिन, अकाउंट लॉगिन इस तरह का डैशबोर्ड होगा। आप देख सकते हैं मैं एक ऐड चला रहा हूँ ऑलरेडी, जो वीडियो ऐड है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1354 रुपये स्पेंड हुए हैं और जहाँ से मुझे 188,509 इंप्रेशंस मिले हैं, प्लस 2.65% CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, और 5002 क्लिक्स मिले हैं। और जो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस जो प्राइस है वो 7.19 रुपीज़ पड़े हैं, यानी और जो कॉस्ट पर क्लिक आया है यानी ऐड पर जो एक क्लिक्स हुआ है वो 0.27 है, ये आप देख सकते हैं इस डैशबोर्ड में, और ये ऐड अभी भी रनिंग है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम वीडियो ऐड बनाएंगे टिकटॉक पे, हम कैसे वीडियो ऐड क्रिएट करेंगे, आज का टॉपिक ये है। तो आपको कैंपेन पे क्रिएट करना क्लिक करना होगा। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे एक अलग से डैशबोर्ड में जहाँ पे हम ऐड क्रिएट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आ गया, यहाँ पे क्रिएट का जो ऑप्शन है आपको क्लिक करना होगा इस पर। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे कि आपको ट्रैफिक पे, ट्रैफिक आपका है कंसिडरेशन, आप ट्रैफिक के लिए कंसीडर कर रहे हैं, कन्वर्जन के लिए कर रहे हैं, ऐप इंस्टॉल के लिए कर रहे हैं, तो आपको ट्रैफिक पे क्लिक करना होगा। ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद कैंपेन नेम है, आप बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं या आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बजट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको बजट डालना है कि मिनिमम ये डेली बजट आप कितना डालते हैं। डेली बजट में मिनिमम आपको 2000 रखना होता है, अगर आप लाइफ टाइम बजट करना चाहते हैं तो 5000 आपको रखना होता है, और नो लिमिट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक पैसा आपका रहेगा तब तक आपका ऐड चलेगा। कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करने के हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम देना होता है आपको कि आपके ऐड का ग्रुप नेम क्या होगा। यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलती हैं, प्लेसमेंट, तो सिलेक्ट प्लेसमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका ऐड जो है वीडियो ऐड है कहाँ कहाँ पे दिखेगा, यानी टिकटॉक पे दिखेगा, न्यूज़ फीड पे दिखेगा, वीगो पे दिखेगा, हेलो पे दिखेगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ टिकटॉक पे दिखाना तो बाकियों को अनचेक करना होगा, ठीक है, बाकी को अनचेक करना होगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेबसाइट, वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे वो यूआरएल देना होगा जिस यूआरएल को आप प्रमोट करना चाहते हैं, जिस सर्विसेज के पेज को प्रमोट करना चाहते हैं उसका यूआरएल आपको यहाँ पे दे देना होता है। जैसे सपोज़ आप किसी YouTube की वीडियो को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आपको अपने YouTube की वीडियो का लिंक यहाँ पे दे देना होता है, जिससे आपकी वीडियो थोड़ी सी 15 या 16 सेकंड चलने के बाद जिसको अच्छी लगेगी, जिसका कंटेंट, आपका कंटेंट अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो आपके चैनल पे जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में भी है, तो आपको यहाँ पर लिंक दे देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मैंने दे दिया। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि HTTP या HTTPS के साथ ही URL होना चाहिए आपका, ठीक है। अब आ गए हम यहाँ पे डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम में आपको अपने ब्रांड का नाम देना होता है या आपको अपने बिजनेस का नाम देना होता है। आपको यहाँ पे अपने लोगों को दे सकते हैं, जो भी आपका लोगो है यहाँ पे लोगो दे सकते हैं आप अपना, मैंने अपना लोगो दे दिया है। यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी आपको
सिलेक्ट करनी होती है कि क्या है आपका, लग्जरी गुड्स है, ऑटोमेटिव है, फिनेंस से रिलेटेड है, फूड फूड एंड ड्रिंक से है, होम फर्नीचर से है, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी से है, टूरिज्म, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं, अपेरल्स हैं, अगर आपका कोई क्लोथिंग से रिलेटेड है तो अपेरल्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, कोई एडल्ट प्रोडक्ट है तो आपको एडल्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा, पब्लिक वेलनेस से है तो पब्लिक वेलनेस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जो जैसे मेरा इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने चीज़ें यहाँ पे मुझे सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में क्या है, नेटवर्क स्टोरेज है, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आप चाहें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टैग भी आप जो टैग चाहें दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ तीन चार टैग आपको देने होंगे, आपको अपने एड से रिलेटेड, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी टैग होगा, आप कुछ अच्छे टैग आप यहाँ पे दे देंगे। ये यूज़र कमेंट होता है कि कोई भी कमेंट आपके उस पर देख कर सके, तो इसको मोस्टली बंद कर देना चाहिए कि कोई कमेंट ये चीज़ें ना करे वहाँ पे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ऑडियंस, ऑडियंस अगर क्रिएट ऑडियंस करेंगे तो यहाँ पे कुछ आप ऑप्शन आपको मिलेगा, तो मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड बना रहे हैं तो एक बार इसको छोड़ दीजिए, क्रिएट न्यू ऑडियंस, ऑडियंस छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लोकेशन है आपका सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आप पर्टिकुलर सिटी वाइज भी टारगेट कर सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैंने पूरा इंडिया ले लिया है, ठीक है। अब आप जो ऐड जिनको दिखाना चाह रहे हैं उनका जेंडर क्या है, मेल फीमेल लेना है या दोनों को लेना है, तो नो लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब एज ग्रुप आप टारगेट कर सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि टिकटॉक यूथ्स के लिए बेसिकली होता है, तो यहाँ पर आप 18 से 24, 35 से 25 से 34 आप ले सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे चाहे आप पर्टिकुलर कोई इंग्लिश हिंदी जो किस लैंग्वेज को आप दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे इंग्लिश, जापानीज, कोरियन जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या सबको दिखाना चाह रहे हैं तो नो लिमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, दो चीज़ें यहाँ ले सकते हैं। कैटेगरी में जैसा मैंने बताया, जो इंटरेस्टेड कैटेगरी मतलब मैंने इंटरनेट से तो टेक मैंने कर दिया, फिर मैंने एजुकेशन कर दिया, ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने ले ली। यहाँ से आप डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि डिवाइस जिसको ऐड दिखाना चाहते हैं, iOS पे दिखाना चाहते हैं, एंड्रॉयड पे दिखाना चाहते हैं, कनेक्शन टाइप क्या होना चाहिए उसके ऊपर, 2G, 3G, 4G, वाईफाई, ठीक है, ये चीज़ें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कभी भी बनाता हूँ तो मैं तो फ़िलहाल नो लिमिट कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से आप देख लो। यहाँ पर डेली बजट का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि डेली बजट क्या है, तो डेली बजट इसमें एक ही ऑप्शन है, 2000, मिनिमम 2000 आपको डालने ही डालने होते हैं। और ये डेट पूछेगा शेड्यूल कब करना है, तो रन कंटिन्यूसली कर दीजिए और यहाँ पे डिपार्टिंग ऑल डे कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक टाइम में तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे, अब बिडिंग रखनी है आपको, मिनिमम आप यहाँ पर 0.50 कर सकते हैं, यानी पर क्लिक इतना आपका लगे, आप 1 रुपये भी कर सकते हैं। और अगर ये एक्सेलरेटेड पे कर देंगे तो पैसा आपका बहुत तेज़ी से खर्च होगा, टिकटॉक बहुत तेज़ी से खर्च करेगा, इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ आप स्टैंडर्ड पे ही रखो। स्टैंडर्ड पे आप रखोगे तो आपके बीड, आपकी जो बीड है उसके हिसाब से पैसे लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो ऐड होगा सिंगल वीडियो होगा, यह सिंगल वीडियो होगा, हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड फ्रॉम कंप्यूटर, आपके पास एक वीडियो होनी चाहिए जो ऐड बनाना है, तो 15 से 16 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोशिश कीजिए 12 से 13 सेकंड का हो। अब इस पे मैंने क्लिक किया, अब मैं जहाँ पे मैंने अपनी वीडियो रखी है मैं उसको यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये मेरा वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कर दूँगा अपलोड, आप देख रहे हैं वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है, अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे हम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो अपलोड हो चुकी है, जो वीडियो ऐड है बन चुकी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करके एक बार चला के देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा ऐड चल रहा है टिकटॉक में, इस तरह से चलेगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख देना है, आप कुछ भी हेडिंग दे देंगे, हाउ टू क्रिएट, ठीक है, टिकटॉक एड्स, ठीक है, ये हेडिंग दे दिया हमने। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, जैसे लर्न मोर
कुछ एजुकेशन से चीज़ें रिलेटेड है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी, जैसे आपने कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाया तो लर्न मोर पे कर दीजिए, ठीक है। लर्न मोर पे करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, यानी जो भी वीडियो आपका ट्रेजर देखेगा, जो भी आपका ट्रेलर देखेगा वीडियो का, ऐड का, वो लर्न मोर पे क्लिक करके आपकी दी हुई वेबसाइट पे चला जाएगा। इस तरह से आप वेबसाइट पे ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हो अपने वीडियो ऐड के थ्रू, और वीडियो ऐड प्रमोशन भी कर सकते हो। अब मैंने इस पे कर दिया सबमिट। अब सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा ये जो ऐड है चला गया रिव्यू में, ठीक है। ये मेरा ऐड आ गया है रिव्यू में। एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद ये मेरा ऐड जो है रिव्यू में आ जाएगा। एक बार रिव्यू जैसे क्लियर होगा, मेरा ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा, ये इन रिव्यू है, इन रिव्यू है, ये चल रहा है, ये मेरा एक ऐड ऑलरेडी चल रहा है जिसमें 1434 रुपये खर्च हो गए, 27 पैसे पड़ा मुझे, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐड गया रिव्यू में, तो इसको हम अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसी लगी आपको, और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड ऑन करना चाहिए था। और प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।